My name is Aisha Yunus, and today's topic of our discussion is AI is going to replace the human jobs? This is the most important topic when it comes to the underdeveloping states or underdeveloping economies. Why is that so? Because aapke underdeveloping states jo hain wo rely karti hain foreign aid ke upar, assistance ke upar, foreign loans ke upar. Foreign loans se meri murad hai International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, and the list goes on like this. So basically, we need to pay back that loan in dollars as well. So we need to obviously see that those platforms through which our youth or skilled labor can earn in dollars, in pounds, in euros. So basically, AI ki jo ek revolutionize hua hai, jis tarah AI uski wajah se, jis tarah ChatGPT bhi aaya hai, in tamam tar platforms ke aane ki wajah se, freelancing ke through jo aapki youth earn kar rahi thi, usme ab kafi deterioration dekhne ko mile hai. डेफिनेटली बिकॉज आपके ए आई प्लेटफॉर्म्स वो सबकी सब टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आपके सॉफ्टवेयर मेकिंग आ जाता है, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है, आपका लोगो मेकिंग आ जाता है, आपकी सीवी की डिज़ाइनिंग आ जाती है, आपके असाइनमेंट्स आ जाती हैं, इवन आपका रिसर्च और आपका थीसिस भी इंक्लूड है. ये तमाम वो चीज़ें थी जिसके थ्रू जो आपकी यूथ है वो फ्रीलांसिंग फाइवर अपवर्क से अर्न करी थी, और उसने ऑलमोस्ट एक रफ एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली 1.8 बिलियन डॉलर्स की एस्टिमेशन दी थी आपको, इतने डॉलर्स अर्न करके दिए थे. सो बेसिकली ये तो एक पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से एआई आपकी स्किल यूथ को भी जो है वो अनएम्प्लॉयड कर सकती है. बिकॉज कॉन्टेम्प्रेरी टाइम का सबसे बड़ा डिलेमा ये है डेट हमने मॉडर्न इंडस्ट्रीज से स्मार्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर शिफ्ट किया है. मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स एंड स्टाफ. जो स्मार्ट इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही था दैट यू नीड योर लैपटॉप, यू नीड योर इंटरनेट, एंड यू शुड हैव द स्किल, और आप अर्न कर सकते हैं. तो बेसिकली जिसकी वजह से सबसे बड़ा डेंट जिन जॉब्स को पड़ेगा एआई के थ्रू वो जॉब्स है जिनमें आपकी स्किल लेबर जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी. तो ये एक अलग तरह का थ्रेट है, चैलेंज है, स्पेशली अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज को जिनकी यूथ बहुत ज़्यादा डिजी स्किल्स पर रिलाई करी थी टू अर्न देयर लाइवलीहुड. सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट व्हेन इट्स कम टू पाकिस्तान एज वेल. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. स्टे ट्यून्ड.